क्या होता है ना, आप सबको पता है कि जो वायर के अंदर होता है करंट फ्लो करता है, सबको पता है। जहां पे भी करंट फ्लो करता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता ही होता है। सो जूल एक साइंटिस्ट था, तो जूल ने बोला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो लिख लीजिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है, क्या बोलता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या बोला, जो करंट होता है, सॉरी, जो वायर के अंदर ये जो हीट होती है, हीट किस पे डिपेंड करती है, मतलब वो जल्दी गर्म होगा या देर में गर्म होगा, लिख लीजिए, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड, इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड, ये नोट्स में लिख लीजिए, इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मतलब किस किस पे डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस पे डिपेंड करेगी, पहला फैक्टर ये रहता है, लिख लीजिए, जैसे ओम्स लॉ किया था, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, एरिया लेंथ पे डिपेंड करती है, पढ़ा था ना ओम्स लॉ के अंदर। सो ऐसी जो जूल्स ऑफ हीटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है बच्चे, रेजिस्टेंस आर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस मीन्स आर। थर्ड किस पे डिपेंड करती है, आपका टाइम पे डिपेंड करती है, कितने टाइम के लिए करंट उसमें फ्लो कर रहा है। ऑफकोर्स सी बात है ना, करंट पे तो डिपेंड करेगा, अगर एक वायर में से करंट जा रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, कितनी रुकावटें आ रही हैं और कितने टाइम के लिए उसमें से करंट जा रहा है, सब पे डिपेंड करेगा ना, तभी तो वो गर्म होगी कोई चीज। तो टाइम को टी लिखते हैं, टी टाइम, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां से एक फॉर्मूला बना या नहीं बना कि जो हमारा लॉ ऑफ हीटिंग है, मतलब एच है, एच इज इक्वल टू किस पे डिपेंड होती है, स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का स्क्वायर करा, ठीक है जी, रेजिस्टेंस आर पे डिपेंड करती है, कर दिया जी, और टाइम टी पे डिपेंड कर दिया, ये भी लिख दिया, एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया ना, तो मतलब हीट हमारी इन इन पे डिपेंड करती है। और सबको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, बी इज इक्वल टू आई आर होता है, सबको पता है, ये मैंने करा रखा है। सो एक बात बताइए, ये आई आर कुछ दिख रहा है छोटा सा, तो एक आई आर दिख रहा है, तो इसकी जगह वी लगा दीजिए, एक आई बचा हुआ है ये भी लिख दीजिए। तो हीट का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हीट का ये हो गया। जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, बाय चांस न्यूमेरिकल आता है, आपको हीट दे रखी है, आई दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और जब बोला रेजिस्टेंस निकालने को, बाय चांस आपको रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो इनमें से कोई भी चीज मतलब दे रखी है, तीन चीज दे रखी है, चौथी चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है हीट का, एक और फॉर्मूला होता है, लिख लेना, जो वी है और जो आई होता है, आई को आप कैसे लिख सकते हो, वी अपॉन आर लिख सकते हैं ना, सब लिख सकते हैं, ये भी पता है, आर आई को आप ये लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, लिख लिया मैम। सो ये क्या हो जाएगा, वी आई की जगह क्या लिख सकते हो, वी मैम बाई आर हो जाएगा, है ना, और ये टी पड़ा है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर टी बाय आर। तो मतलब हीट के तीन फॉर्मूलाज हो गए, समझ आया मैंने क्या किया है। अब डाउट लेते हैं, किस बच्चे ने हैंड रेस किया होता, देवेंद्र, हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम ये मैम थर्ड सेकंड वाला समझ में नहीं आया मैम। समझ नहीं आया, ये जो है फॉर्मूला होता है, मैंने अभी फॉर्मूले में बता दिया, आई स्क्वायर आर टी पे बनता है, तो ये आई स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई इंटू में आर इंटू में टी मल्टीप्लाई में सारा, ये जो आई आर होता है इसका मतलब बी होता है, ओम्स लॉ से निकाला हुआ है, ये आई पड़ा है, ये टी पड़ा है, यही चीज तो बना दी, क्लियर हुआ देवेंद्र। यस 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 मैम, थैंक यू मैम। बलराज, हाँ जी बच्चे। मैम सब कुछ समझ आ गया, लेकिन आपने ये -9 लिखा है, फिर -2 लिखा है, और लास्ट में -3 लिखा है, ये नहीं समझ आया। कहाँ पे -9 -2, ये इक्वेशन है, एरो दे रखी है,
ये वन है, ये हाँ ये फॉर्मूला वन हो गया, हीट का दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, ये एरो है। ओके मैम, ओके मैम, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। नहीं नहीं, मैथ्स में जैसे इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, ये वो चीज लिखी हुई है बच्चे। क्लियर हुआ? तो ये तीन फॉर्मूलाज हो गए। करंट को आप सबको पता है एम्पियर्स में करते हैं, तो हीट को भी तो किसी में मेजर करते होंगे, जूल्स में करते हैं, जूल लिखा है ना, तो जूल ने अपने नाम से कर दी, जूल्स में लिखते हैं, जूल्स में मेजर करते हैं। और एक जूल के अंदर जो आप खाना खाते हो कैलोरीज होती हैं 4.1, एक मिनट, 4.18 कैलोरीज होती है, ठीक है। एक जूल के अंदर अगर कोई पूछे कितनी कैलोरीज होती हैं, तो 1.48 कैलोरीज होती है। सी मत लिख देना वरना वो चार्ज बन जाएगा, कूलम बन जाएगा, कैलोरीज पूरा ऐसे लिखो। तो 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरीज होती है, याद रख लेना। तीन फॉर्मूलाज हैं हीट के। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिए। यस करम, यस करम पूछे बच्चे। करम पूछिए, नो डाउट, ओके परफेक्ट। अब एक चीज होती है एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ होता है। अब ये जो मैंने हीट लिखा है ना, मैं इसको ही कहूंगी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। जो हीट होती है वो एनर्जी के बराबर कैसे होगी निकालते हैं। मम्मी मेरे बॉडी में से हीट निकल रही है, मम्मी मेरे बॉडी में से एनर्जी निकल रही है, बात एक ही है। देखिए मैं प्रूफ करती हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है लिख लीजिए, टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग, टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग, मेंटेनिंग करंट एक कंडक्टर के अंदर या एक वायर के अंदर, करंट मेंटेन करने के लिए जितना काम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। एन इन एन सर्किट, इन अ सर्किट, ठीक है, फॉर गिवन टाइम, कितने टाइम के लिए हमें काम कर रहे हैं, गिवन टाइम, ठीक है जी। ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबको पता, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है क्या होती है, वर्क डन है तो मतलब डब्ल्यू है, ठीक है, वर्क डन हो गया, डब्ल्यू हो गया। सो ये बोलता है, एक बात बताइए, जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, आई इज इक्वल टू आई आर भी नहीं लिखवाना, जो एच होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये भी नहीं लिखवाऊंगी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इसके इक्वल होती है, करंट आ गया, वर्क डन आ गया, टाइम आ गया, लिख दिया। एक बात बताइए, ये वी और आई दे रखा है, ठीक है। सो हमें पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, होता है ना। So, इसको V को आई आर लिख दीजिए, इंटू में एक आई और पड़ा है और टी पड़ा है। अब बताइए ये आई स्क्वायर आर टी बन गया, तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बन गई। यहाँ पे देखिए बराबर बन गया, इसको देखिए और इसको देखिए, इक्वेशन दोनों सेम हो गई। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के इक्वल कर दिया मैंने। हाँ जी बलराज, समझ आया? बलराज yes, मैम आ गया, ठीक है। सो राइट डाउन कर ले। हाँ जी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये लिख लेना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, लिख लीजिए इसको भी। आई स्क्वायर आर टी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगला नया करेंगे, पावर करेंगे, पावर के बारे में देखते हैं क्या होता है। ये फॉर्मूलाज लिख लेना, अभी क्वेश्चन करोगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा सबको, ठीक है। टोटल वर्क पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।